पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम को 107 दिनों की जमानत के बाद अब 107 दिनों की हिरासत के बाद अब जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया है जिसमें उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी और अब 107 दिन बाद श्री चिदम्बरम सलाखों के पीछे से बाहर आ जाएंगे और इसके साथ ही ईडी और सीबीआई ये केस अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन अब उनको जमानत मंजूर कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में जो ऑपरेटिव पार्ट बताए हैं उसमें ये भी बताया है, सारी हिस्ट्री बताई और ये बताया कि 21 अगस्त से वो गिरफ्तार किए गए थे, इसके बाद 17 अक्टूबर से वो ईडी की हिरासत में थे क्योंकि तब तक सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत दे दी गई थी, लिहाजा 107 दिन अभी हैं वो हिरासत में रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने ये मान लिया है कि अब जबकि चार्जशीट दाखिल हो गई है लिहाजा अब इनकी जो दलील थी पी चिदम्बरम की कि वो ना गवाहों से छेड़छाड़ कर सकते हैं ना सबूतों से कोई छेड़छाड़ हो सकती है क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो ऐसे में उनकी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट का उनकी जमानत अर्जी मंजूर करने का सीधा सीधा मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को मान लिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि ईडी और सीबीआई इस मामले में ये साबित करने में नाकाम रही हैं कि उनके विदेशों में सेल कंपनियां हैं, खाते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर भी उनकी दलीलें भी मंजूर कर ली गई हैं। अब ईडी और सीबीआई इन दोनों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है कि जो आरोप उन्होंने आरोप पत्र में लगाए हैं उन्हें कोर्ट के सामने कैसे साबित किया जाएगा। जी संजय, इस बात को हम कैसे समझे, पहले भी लोअर कोर्ट में अपील की गई थी चिदम्बरम की ओर से, तब भी यही दलीलें दी गई होंगी लेकिन तब मंजूर नहीं की गई उनकी जमानत, अब मंजूर कर दी गई, ऐसा क्यों, क्या अब फर्क आया है उनकी दलीलों में या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई और फैक्टर्स कंसिडर करे हैं इस बार जमानत देने में? दलीलों में फर्क नहीं बल्कि ये है कि जो परिस्थितियां हैं परिस्थितियां बदल गई हैं और बदली हुई परिस्थितियों के मुताबिक ये कोर्ट के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वो इन अपीलों को किस तरह से लेता है और कैसे इन सारी चीजों को देखता है, तो ये कोर्ट का विशेषाधिकार है और कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार के तहत उन्हीं दलीलों पर ही रहती है नीचे से ऊपर तक। लेकिन इस बीच में इतना समय भी निकल गया है और ये साबित करने में वो कामयाब रहे हैं कि इतने दिनों में उन्होंने ना तो किसी गवाह को से संपर्क साधने की कोशिश की, ना किसी गवाह से इन्होंने संपर्क किया, ना सबूतों से छेड़छाड़ के कोई सबूत इनके पास है और जो आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं उसे साबित करने में भी नाकाम रहे हैं, लिहाजा ये तमाम चीजें उनके फेवर में गई हैं। संजय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो जमानत दी गई है ये सशर्त दी गई है या फिर बिना किसी शर्त के? नहीं, सशर्त जमानत तो अमूमन सशर्त ही होती है जिसमें उन्हें लोअर कोर्ट ये शर्तें तय करेगा कि उन्हें किन शर्तों पर जमानत दी जाए। फिलहाल उनको निजी मुचलका यानी पर्सनल बॉन्ड भरना पड़ेगा, इसके साथ ही दो जमानती देने पड़ेंगे, तो ये तमाम चीजें अब इसमें निर्भर करेगा कि लोअर कोर्ट उनको, अब तो ये है कि जमानत का रास्ता साफ हो गया लेकिन शर्तें लोअर कोर्ट जहां पर मामला चल रहा था यानी स्पेशल कोर्ट सीबीआई रेडी का स्पेशल कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट वहां से तय होगा कि ये यहाँ का ऑर्डर वहां लेकर जाएंगे कि उन्होंने जमानत मंजूर कर दी है, फिर वो स्पेशल कोर्ट इसमें शर्तें तय करेगा। ठीक है संजय, इस वक्त ये बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बता दें, आप बने रहिए हमारे साथ। 17 अक्टूबर से ईडी की कस्टडी में चिदम्बरम थे और 107 दिन बाद उन्हें सशर्त जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। केस को लेकर सार्वजनिक बयान और इंटरव्यू ना दें चिदम्बरम, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अब तक किसी भी तरह का जो दलीलें दी गई थी उसमें कोई बदलाव नहीं है लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं लिहाजा अब उन्हें जमानत दी जा सकती है। ईडी मामले को लेकर बयान देने पर फिलहाल रोक लगाई गई है, किसी भी तरह का बयान ना दे चिदम्बरम, कोई भी इंटरव्यू ना दे, कोई भी साक्षात्कार ना करे, इस तरह की तमाम शर्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखी गई हैं। आईएनएक्स मीडिया मामला जिसमें चिदम्बरम पिछले 107 दिन से कस्टडी में थे, आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस पूरे मामले की हिस्ट्री क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, कब से लेकर कब तक चिदम्बरम ईडी की कस्टडी में थे और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है तो क्या कुछ कहा है?
कुल लगभग 107 दिनों तक पी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहे। इसमें 17 दिन की वो रिमांड भी है जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें कस्टडी में लिया था। सबसे पहले सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था, 5 सितंबर के बाद से ही उन्हें कस्टडी में ले लिया गया था और लगभग 107 दिन उन्होंने गुजारे हैं। 17 अक्टूबर को सीबीआई के मामले में जैसे उन्हें राहत मिल गई थी, उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, क्योंकि आईएनएक्स मीडिया केस दोनों एजेंसियां जांच कर रही थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले केस में उन्हें वापस तिहाड़ में रखना पड़ा था। और आज जब चूंकि सीबीआई के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले मुकदमे में भी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है, साफ साफ ये मानिए कि पी चिदंबरम कुछ घंटों में बाहर आ सकते हैं। जो लीगल फॉर्मेलिटी है, जैसे ही कागजात सुप्रीम कोर्ट से मिलेंगे वो फिर कंसर्न कोर्ट में जाती है जिन्होंने उन्हें रिमांड में भेजा था, जुडिशियल कस्टडी में भेजा था, वहां से रिलीज वारंट लेकर के उनके जो वकील हैं तिहाड़ जेल जाएंगे और उसके बाद सीधे सीधे आज पी चिदंबरम की रिहाई हो सकती है। और इसीलिए पूर्व वित्त मंत्री के लिए ये आज की शायद सबसे बड़ी और सबसे राहत की खबर है। नेहा, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर, राहत की खबर पी चिदंबरम के लिए। लेकिन आशुतोष, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 2 लाख का निजी मुचलका और साथ ही कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी बयान या फिर कोई भी इंटरव्यू पी चिदंबरम ना दे, किस परिस्थिति के मद्देनजर इस तरह की शर्त सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखी गई है? जमानत जब अमूमन दी जाती है तो कोर्ट कई बार ऐसी इस तरह के जो है दे देता है आदेश कि कहीं पर्याप्त। आपको यह बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या सीबीआई हो, लगातार कोर्ट में ये कह रही थी कि अगर पी चिदंबरम बेल पर बाहर आते हैं तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं। और शायद उन दलीलों को भले ही कोर्ट ने खारिज कर दिया हो, लेकिन उन संभावनाओं को देखते हुए इस तरह की नसीहत दी है कि वो इस तरह की बयानबाजी से दूर रहेंगे जो केस को प्रभावित करे। साथ ही जो बॉन्ड होता है 2 लाख रुपए का जो बॉन्ड दिया, अमूमन जमानत के केस में इस तरह की एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी होती है, जिस भी आरोपी को जमानत दी जाती है वो एक मुचलका जो है अदालत के सामने जमा करना होता है। आशुतोष आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी मामले को लेकर बयान देने पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। वहीं 2 लाख के निजी मुचलके को जमा करना होगा पी चिदंबरम को, और साथ ही किसी तरह का इंटरव्यू या फिर बयान वो ना दे, ये भी शर्त सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखी गई है। आईएनएक्स मीडिया मामला जिसमें चिदंबरम ईडी की कस्टडी में थे पिछले 107 दिन से, और 107 दिन की हिरासत के बाद आज उनके लिए बड़ी राहत की खबर, सार्वजनिक बयान और इंटरव्यू ना दे चिदंबरम। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर से ही ईडी की कस्टडी में चिदंबरम थे, इससे पहले वो लोअर कोर्ट में भी अपील कर चुके थे अपनी बेल के लिए, लेकिन उनकी बेल को